यस सर। भाई मेरे इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? और इंडिया का नंबर वन स्टूडेंट कौन है? 28 अक्टूबर की बैच। वेरी गुड, 28 अक्टूबर की। हेलो, थैंक यू वेरी मच। सर इधर आ जाइए थोड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं से टेलीकॉम से दुर्गेश और हमारे साथ है मिलन सर। हेलो। और हमारे साथ दो स्टूडेंट हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि आज इनका है फेयरवेल, लास्ट डे है। क्योंकि जब ये शुरू से लेकर के लास्ट तक इन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ये सारा कुछ हम इनसे पूछने वाले हैं। यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा रहा, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, उनको नॉलेज है कि नहीं है, तो सारा कुछ हम इन स्टूडेंट से जानेंगे। तो पहले अपना नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम ब्रजेश है, मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं ब्रजेश जी। ब्रजेश जी आप बताइए, आप दो दिन लेट भी आए थे आई थिंक, तो आप दो दिन लेट आए थे तो आपका दो दिन का कवर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर बिल्कुल हुआ है। ऐसा तो नहीं हुआ कह रहे आप दो दिन लेट आया हो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा पिछले का सब? नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, जो दो दिन लेट आया था उसको रिकवर किया गया। रिकवर किया गया यहाँ पे। तो मैं पर बात करूँ हार्डवेयर देव सर के साथ, कैसा सफर रहा आपका? बहुत जबरदस्त। चाहे फॉल्ट फाइंडिंग हो, स्कीमेटिक डायग्राम चलाना हो, ट्रेसिंग करना हो, डेट सेक्शन हो, नेटवर्क सेक्शन हो, कैसा रहा? सर बोलने के लिए तो नेटवर्क सेक्शन बहुत बड़ा होता है, पर सर ने हमारे ऐसे तरीके से बताया कि हमारे लिए एकदम छोटा हो गया। लाइव काम किया आपने? जी लाइव किया। चलिए उसके बाद फिर आपका सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? सॉफ्टवेयर तो हमने कभी किए ही नहीं थे जी। और दुर्गेश सर इस तरीके से समझाए कि हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। ऑनलाइन क्या होता है, ऑफलाइन होता है। दुर्गेश सर का कहना है कि कुछ नहीं ऑनलाइन होता है, सब कुछ ऑफलाइन में ही होता है, बस करने का तरीका चाहिए, वो ट्रिक चाहिए, करने का तरीका पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बाद एमएमसी क्लास मिलन सर के साथ कैसा रहा? मिलन सर तो बेस्ट सर। ब्लैक पेस्टेड की बात करें, बहुत शानदार क्लास। अच्छा, केवल ब्लैक पेस्टेड एक घंटे करके छोड़ दिया कि डेली आपसे ब्लैक पेस्टेड कराया गया? नहीं, जितने दिन का क्लास था डेली कराया गया। कितने बोर्ड पे काम किए होंगे? कम से कम 4-5 बोर्ड पे काम किए। चलिए उसके बाद प्रोग्रामिंग की बात करें, कैसा रहा? प्रोग्रामिंग बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आई आपको? ऐसा तो नहीं मिलन सर कुछ भी अलग लैंग्वेज में बोल रहे हैं और आपको समझ में ना? नहीं नहीं, मिलन सर तो हम लोग परेशान होते, बोलते थे कि कुछ पूछो मिस्टेक और कुछ पूछो। अच्छा, वो बोलते थे कॉपी पलटो और पूछो कन्फ्यूजन पूछो। तो आप यहाँ पे जो बोला जाता है 4 दिन में आप अगर समझ में नहीं आया तो वापस जा सकते हैं, आप वापस क्यों नहीं गए? नहीं सर, यहाँ पे पढ़ने के लिए आए, वापस थोड़ी आएगा। और यहाँ पे जो चीज सोच के आए तो पूरा मिल रहा है, उससे भी बेहतर मिल रहा है, बेहतर मिल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे जो आने वाले स्टूडेंट के लिए? जो आना चाहते हैं बिल्कुल निफिक्र होकर आए, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। एशिया टेलीकॉम मोबाइल टेक्नीशियन के मामले में समंदर है, जितना भर के ले जाना चाहते हो लेके जाओ। अच्छा, जैसे आप बोल रहे ले जाओ, क्या ये एक बार ही है कि बैकअप सपोर्ट के लिए भी कुछ है? लाइफ टाइम बैकअप है। उसका कितना चार्ज लेंगे? नहीं उसका कोई चार्ज नहीं, जीरो है, कोई चार्ज नहीं लेंगे। चलिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हमारे मिलन सर पूछेंगे कि क्या है इनका। तो हमारे साथ और एक स्टूडेंट है जिनका नाम है ब्रिजेश और सर्वेश जी, और बिहार से हैं ये भी। जी सर, बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा डे वन से लेकर? डे वन से लेकर सर बहुत अच्छा रहा सर, बहुत बेटर जिसको कहा नहीं जाए, क्योंकि इस लाइन में हम 2010 से थे जी। 2010 से थे तो हमको पता था कि क्या क्या पढ़ाएंगे क्या, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि मैं 0 पे आउट हूँ। अच्छा। मुझे हाँ जी सर, मुझे इस फील्ड में कुछ नहीं आता है जी। जब फर्स्ट डे से स्टार्ट हुआ देव सर के साथ, तो हम यहाँ सोचे कि 4 दिन प्ले टेस्ट ले लेते हैं, कैसा पढ़ाएगा तो ठीक है, पढ़ेंगे नहीं तो चले जाएंगे जी। लेकिन फर्स्ट ही दिन जब सर के साथ क्लास हुई तो क्या बताए सर, अपने आप को खूब महसूस बहुत ज़्यादा महसूस हुआ कि नहीं वाकई में मोबाइल फील्ड में हम किस जगह आए, हम सोच के आए थे क्या, और यहाँ उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है सर। जी 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 जी। मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं सीधे सीधे बोलना चाहता हूँ आपको कि क्या यहाँ पर आपके सामने लाइव डेट फोन रेडी हुआ है? जी सर। कितने, एक या दो? नहीं सर, समथिंग जितने स्टूडेंट ले कहते सारे स्टूडेंट के सर रेडी हुए हैं। और ये लाइव करके दिखाया गया है, कहाँ से क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है? सबसे बड़ी खासियत एशिया टेलीकॉम के सर के हैं कि वह जो भी करवाते हैं अपने स्टूडेंट से करवाते हैं, अपने से नहीं, खुद से नहीं करते हैं। बिल्कुल जी। नेक्स्ट मैं पूछना चाहता हूँ ये कि सॉफ्टवेयर कैसा रहा आपका? क्या बताएं सर जी, इतना सुंदर टेक्निक दिया है सर जी, माइंड में सेव हो गया है सर कि सॉफ्टवेयर आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मन में ही था कि ऑनलाइन क्या होता है ऑफलाइन क्या होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि कुछ नहीं है, बस आपके पास ट्रिक होना चाहिए। और जो कि हमारे सर यहाँ पे दुर्गेश सर दिए हैं गजब गर्दा, हार्डवेयर में तो कुछ कर लेते लेकिन सॉफ्टवेयर में 0 पे आउट हो जाते थे, लेकिन सर के आने के बाद खुद में कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं अब मैं भी कर सकता हूँ। और एमएमसी के बारे में क्या बोलना चाहिए? एमएमसी क्या बताएं सर, एमएमसी के बारे में जितना कम बोले
उससे ज़्यादा बेटर है सर। मिलन सर, MMC के बारे में जो हम लोग को कोडिंग दिया है, वो कोडिंग मन में सेव हो गया, कॉपी देखने की लगता आवश्यकता नहीं है कि, और प्रोग्रामिंग सर कर लेंगे सर। प्रोग्रामिंग कर सकते जी जी सर। पेस्टेड IC जी अब आराम से कर सकते हैं। पहले करने में डर लगता था, क्या होगा, बोर्ड फुल जाएगा, कितना एयर रखेंगे, कितना हीटिंग रखेंगे, इसमें के बारे में नॉलेज नहीं था। लेकिन यहाँ पे सर कितना एयर पे खोलना है, कितना एयर पे लगाना है, सारी चीज़ हम लोगों को लिखाए और बताए भी करके भी। जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप MMC चेंज कर सकते हैं? जी MMC आराम से चेंज कर सकता हूँ सर। ठीक है। नेक्स्ट मैं पूछना चाहता हूँ आपकी, क्या डबल डेकर की लाइव क्लास मिला है यहाँ पे? जी सर लाइव क्लास मिला, और खुद एशिया टेलीकॉम की ओर से बोर्ड दिया गया था सारे स्टूडेंटों को, और बिल्कुल एकदम अच्छे बोर्ड थे, उस बोर्ड पर हम लोग को लाइव करवाया गया। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आने वाले के लिए यही बोलेंगे कि मैं भी अपने आप को सूरवीर समझता था कि इस लाइन में, हार्डवेयर की लाइन में, लेकिन भाई आने के बाद तो पता चला कि मैं चूहा से भी कम हूँ। जी जी जी, जीरो पे आउट हैं। और जी तो आप लोग आने के लिए चाहते हैं तो मेरे ओर से आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि इस लाइन में अगर आप बेटर बनने चाहते हैं तो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें, क्योंकि सर यहाँ पे जितने भी हमारे शिक्षक हैं, गुरु हैं, वो एक से एक हैं। आप जैसा का बोलते ना कि अपने आप में अद्भुत है। हाँ, यहाँ पे जितने भी हमारे सर हैं, जितने भी सर, दुर्गेश सर हैं, अनिल सर हैं, दीपक सर हैं, हमारे जितने भी सर हैं, सब एक से एक भंडार है सर, ज्ञान का मोबाइल लाइन का भंडार है सर। चले थैंक यू वेरी मच आप सभी को, आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और अपने मार्केट में बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। एशिया टेलीकॉम आपके साथ पूरी टीम लाइफ टाइम जुड़ा हुआ है। थैंक यू। एक बार मैं बोलना चाहता हूँ सर जी, कि जैसे एक पारस मनी पत्थर होता है सर, ठीक ना जी, और उस पत्थर में छोटा सा पीतल या कांटी भी सट जाए तो वह सोना बन जाता है। और यहाँ एशिया टेलीकॉम जो है सर जी, पारस मनी पत्थर, यहाँ पे जो आके सटेगा। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बड़ी बात बोल रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर CPU को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। CPU भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर CPU करके गए। चाहता हूँ आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू सर, रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या है? मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर CPU आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका CPU और किस सिस्टम से किया? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर CPU किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर CPU कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने